नमस्कार। आज की इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। क्या महाराष्ट्र में शिवसेना नेतृत्व वाली महाआघाड़ी सरकार खतरे में है? हालात तो लगभग इसकी पुष्टि करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे कल विधान परिषद चुनाव के बाद अचानक गायब हो गए। बात सिर्फ उनकी होती तो कुछ हद तक सरकार पर संकट जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन उनसे संपर्क करने की कोशिश जारी ही थी कि पता लगा दर्जन भर से अधिक विधायक भी संपर्क क्षेत्र से बाहर बताए जा रहे हैं। सियासी हलकों में बेचैनी बढ़ गई, फोन घनघनाने लगे। किसी सूत्र के माध्यम से पता चला एकनाथ शिंदे 12 से 13 शिवसेना विधायकों के साथ सूरत के ली मेरिडियन होटल में मौजूद है। कान खड़े हुए तो रणनीतिकारों ने सूत्रों को काम पर लगाया। स्थिति साफ होने लगी। पुष्टि हो गई कि एकनाथ शिंदे के साथ वास्तव में शिवसेना के 20 विधायक हैं। इनमें से 11 विधायक सूरत पहुंच चुके हैं तथा 9 और विधायक सड़क मार्ग से पहुंच रहे हैं। इन सभी 20 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पालघर के विधायक श्रीनिवास वनगा, अलीबाग के विधायक महेंद्र दलवी, भिवंडी ग्रामीण के विधायक शांताराम मोरे, मुंबई से प्रकाश सुर्वे और उस्मानाबाद के नेता तानाजी सावंत नॉट रीचेबल है। और तो और बताया जा रहा है कि औरंगाबाद के 6 शिवसेना विधायकों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन सभी के फोन रात से ही बंद है। सूत्रों के मुताबिक वह सूरत के होटल में अपने समर्थक विधायकों के साथ मौजूद है। हालांकि शिवसेना के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत मामले को संभालते नजर आए। उन्होंने सरकार पर खतरा होने की बात को बेतुका बताते हुए कहा कि कुछ विधायक मुंबई में नहीं है और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एकनाथ शिंदे से भी संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि महाराष्ट्र में कोई भूकंप आएगा। अभी हम वर्षा बंगले पर जा रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे से मेरी बात हुई है, शरद पवार से मेरी बात हुई है। इसी क्रम में बता दें कि राउत को राष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में हो रही विपक्ष की मीटिंग में शिवसेना की नुमाइंदगी करने पहुंचना था, लेकिन अब खबर है कि वह दिल्ली नहीं जा रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि वह महाराष्ट्र में सरकार पर चल रहे संकट को लेकर रणनीति बनाने में जुटेंगे। शरद पवार भी मुंबई आज लौट रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में अचानक उपजे इस सियासी तूफान की वजह से शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने अपना दिल्ली दौरा रद्द कर दिया। राकांपा के सीनियर लीडर और कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने भी अपने तमाम पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को रद्द कर नासिक से मुंबई के लिए रवाना हुए। दूसरी तरफ एमवीए के संयोजक और एनसीपी के सर्वेसर्वा शरद पवार ने भी संकट के बाद एक आपात बैठक बुलाई है। यह भी कहा जा रहा है कि शरद पवार एमवीए को बचाने के लिए दोबारा मैदान में कूद गए हैं। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस क्या इस हलचल के बाद भी कोई चमत्कार दिखाते हैं और महाराष्ट्र में दोबारा बीजेपी की सरकार बना पाते हैं, या शरद पवार एमवीए को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे गुट के अचानक इस तरह से नाराज होने और गुजरात जाकर बीजेपी नेताओं के संपर्क में आने के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। अगर यह तमाम विधायक बीजेपी के साथ मिल गए और उन्हें अपना समर्थन दे दिया तो महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरने से बचा पाना काफी मुश्किल होगा। रणनीतिकार भी मानते हैं कि अगर एकनाथ शिंदे के साथ आए शिवसेना के विधायक बगावत करते हैं और बीजेपी का समर्थन करते हैं तो उद्धव सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। बताते चले कि राज्यसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव में भी फडणवीस को ही जीत का शिल्पकार माना जा रहा है। एमएलसी चुनाव में संख्या बल न होने के बावजूद बीजेपी ने अपने 5वें कैंडिडेट को जीत दिलाने की कामयाबी पाई। वहीं राज्यसभा चुनाव में भी शिवसेना के संजय पवार को शिकस्त देकर बीजेपी के धनंजय महाड़िक ने विजय पताका लहराई थी। इस बीच पूर्व सीएम और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पहले तो यह समझा गया कि वह विधान परिषद चुनाव में जीत का आशीर्वाद लेने गए हैं, लेकिन उसके अर्थ भी अलग लगाए जा रहे हैं। इसलिए चर्चा तेज हो गई है कि क्या उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली आघाड़ी सरकार खतरे में है। माना जा रहा है कि यह वह बीजेपी के आला नेताओं से वर्तमान सियासी हालात पर मंथन करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं। नवाब मलिक अनिल देशमुख के जेल में होने और एक विधायक के निधन की वजह से फिलहाल विधायकों की संख्या 285 है। इनमें बीजेपी के पास 106, शिवसेना के पास 55, एनसीपी के पास 52 और कांग्रेस के पास 44 विधायक है। बहुमत का जादुई आंकड़ा 143 है। अगर 20 विधायक शिवसेना के बगावत करते हुए शिंदे के साथ आते हैं तो आघाड़ी सरकार में 131 विधायक ही बचेंगे और उसे 12 विधायकों का समर्थन जरूरी होगा। एमवीए सरकार को बाहर से अन्य दलों और निर्दलियों के साथ 20 विधायकों का समर्थन मिला है। ऐसे में अगर ये विधायक भी टूटते हैं तो सरकार खतरे में आ सकती है।
हालांकि एमवीए अब तक दावा करती आई है कि उसके पास कुल 170 विधायकों का समर्थन है। देर रात आए एमएलसी चुनाव के रिजल्ट में बीजेपी ने एक बार फिर बाजी पलट दी। राज्यसभा चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार को यह भी झटका लगा। एमवीए ने 6 में से 5 सीटें निकाली, जबकि बीजेपी के सभी 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। यह हार कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा भाई जगताप के बयान से लगाया जा सकता है। एमएलसी चुनाव में सत्तारूढ़ शिवसेना, एनसीपी के 2-2, बीजेपी के 5 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के भाई जगताप ने जीत दर्ज की, जबकि चंद्रकांत हंडोरे हार गए। वहीं बीजेपी के प्रवीण दरेकर, राम शिंदे, श्रीकांत भारतीय, उमा खपरे और प्रसाद लाड ने जीत दर्ज की। शिवसेना के सचिन अहिर और अमशा पडवी ने जीत दर्ज की। एनसीपी के एकनाथ खड़से और रामराजे नाइक निंबालकर ने भी अपनी सीट निकाल ली। दरअसल महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि महाविकास आघाड़ी की सरकार में असंतोष पैदा हो गया है। अगर ऐसा न होता तो 4 सीटें जीत सकने वाली भाजपा को 5वीं सीट नहीं मिलती। क्रॉस वोटिंग और निर्दलियों का भाजपा को सपोर्ट मिला है। समझा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले शिवसेना विधायकों को इस बात का अंदेशा रहा होगा कि सुबह उद्धव ठाकरे के सामने उनकी पेशी हो सकती है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे में शायद बीजेपी की रणनीति के तहत पहले से ही उद्धव सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया था। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नंबर गेम के हिसाब से अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। दरअसल ऐसा दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में 20 विधायक है। ये पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के है। सरकार का गणित समझे तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 106 विधायक है, लेकिन शिवसेना ने अपने 55, एनसीपी के 52 और कांग्रेस के 44 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई। राज्य की विधानसभा में 288 सीटें हैं। शिवसेना के एक विधायक का निधन हो चुका है। सरकार बनाने के लिए जादुई नंबर 145 का है। अगर 20 विधायक शिवसेना से टूटकर भाजपा को सपोर्ट करते हैं और कुछ निर्दलीय साथ खड़े होते हैं तो महाराष्ट्र में बाजी पलट सकती है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ गई है। शरद पवार के दिल्ली वाले घर पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। एनसीपी के नेता अजीत पवार और जयंत पाटिल दिल्ली रवाना हो गए हैं। आज सुबह विपक्षी दलों को राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर आमराय बनाने के लिए बैठक करनी थी, लेकिन पवार के लिए अब उद्धव सरकार को बचाना प्राथमिकता है। फूट के डर से कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। एकनाथ शिंदे को ठाकरे परिवार का विश्वास पात्र माना जाता था। वह सरकार में कैबिनेट मंत्री है। वह नगर विकास जैसा अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं। वह शुरू से शिवसेना के साथ है, लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। वह महाराष्ट्र विधानसभा में लगातार 4 बार 2004 से 2019 तक निर्वाचित होते रहे। वह खुद मानते रहे हैं कि उन पर बालासाहेब ठाकरे का बड़ा प्रभाव था। 1980 के दशक में शिवसैनिक बने। 1997 में शिंदे को शिवसेना ने ठाणे नगर निगम चुनाव में पार्षद का टिकट दिया था। 2001 में वह सदन के नेता चुने गए और विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले तक पद पर रहे। कहा जाता है कि 2019 में अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी नहीं हुए होते तो एकनाथ शिंदे आज उसी कुर्सी पर होते। लगभग 59 साल के शिंदे वर्ष 1980 में शिवसेना से बतौर शाखा प्रमुख जुड़े थे। शिंदे ठाणे की कोपरी पांच पखाड़ी सीट से 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वे पार्टी के लिए जेल भी जा चुके हैं। उनकी इमेज एक कट्टर और वफादार शिवसैनिक की रही है। उनका संबंध सातारा जिले के पहाड़ी जवाली तालुका से है। एकनाथ के बेटे श्रीकांत शिंदे भी शिवसेना के ही टिकट पर कल्याण सीट से सांसद है। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 तक महाराष्ट्र विधानसभा में वे विपक्ष के नेता रहे। 2014 में ही महाराष्ट्र राज्य सरकार में लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। 2019 में कैबिनेट मंत्री, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का पद मिला। वर्ष 2019 में जब शिवसेना ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा तो तय हुआ वह एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएगी और सीएम शिवसेना होगा, लेकिन सीएम बनेगा कौन यह तय नहीं हो पा रहा था। उद्धव ने चुनाव नतीजे आने के बाद विधानसभा के विधायक दल का नेता एकनाथ शिंदे को बना दिया। तब लगा था कि शिंदे ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन शरद पवार और सोनिया गांधी चाहते थे कि उद्धव ही सीएम बने। उद्धव पर अपने परिवार से भी सीएम पद स्वीकार करने के लिए दबाव था। ऐसे में शिंदे मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। एकनाथ शिंदे की शिवसेना आलाकमान से नाराजगी की कोई बात नहीं है। बताया जा रहा है कि वे गठबंधन की तीनों पार्टी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी से नाराज है। इसके पहले जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना आलाकमान से खटपट की खबरें सामने आई थी। तब यह भी कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे अपने तमाम समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उस वक्त यह खबरें गलत साबित हुई थी और उन्होंने खुद इस बात का खंडन किया था, लेकिन अब दोबारा नाराजगी की बात सामने आई है।
राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति बन सकती है तो फिल्म इंडस्ट्री को एक और बड़ा झटका लगा है। कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज एक्टर सतीश वज्र की खून से सनी लाश उनके घर से बरामद हुई है। वहीं अग्निपथ योजना के खिलाफ जारी प्रदर्शनों से दुखी दिग्गज कारोबारी आनंद महिंद्रा ने ऐलान किया है कि अग्निपथ से वापस आने वाले ट्रेंड और क्षमता वाले अग्निवीरों को वह अपनी कंपनी में नौकरी देंगे। देश के कई उद्योगपतियों ने अग्निवीरों के लिए अपनी कंपनी के दरवाजे खोले हैं। इस बीच अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। तो उधर बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा के विधायक अनंत सिंह को AK-47 मामले में सजा मिली है। देश भर की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति बन सकती है। उन्होंने ट्वीट कर इशारों में रजामंदी भी जता दी है। इससे पहले ममता बनर्जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए लिखा कि TMC में मुझे जो सम्मान और प्रतिष्ठा मिली उसके लिए मैं ममता जी का आभारी हूँ। अब समय आ गया है जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से अलग विपक्षी एकता के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुझे यकीन है कि वह इस कदम को स्वीकार करेगी। इस तरह से यशवंत सिन्हा ने TMC छोड़ने का संकेत देते हुए राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बनने की तरफ इशारा कर दिया है। इससे एक बात और साफ हो गई है कि तृणमूल कांग्रेस जल्द ही जुलाई में होने वाले चुनाव के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा की घोषणा कर सकती है। रणनीतिकार मानते हैं कि सिन्हा के नाम पर अगर आम राय बनती है तो विपक्ष के लिए यह रात की बात हो सकती है। इससे पहले राष्ट्रपति पद के लिए तीन संभावित उम्मीदवार खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। 18 जुलाई को चुनाव होना है। यशवंत सिन्हा दो बार केंद्रीय वित्त मंत्री रह चुके हैं। पहली बार वह 1990 में चंद्रशेखर की सरकार में और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री थे। वह वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री को एक और बड़ा झटका लगा है। कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज एक्टर सतीश वज्र की खून से सनी लाश उनके घर से बरामद हुई है। सतीश बेंगलुरु के RR नगर में रहते थे। बताया जा रहा है कि सतीश की किसी अज्ञात शख्स ने हत्या कर दी है। अभी 3 महीने पहले ही सतीश की पत्नी ने भी आत्महत्या कर अपनी जान दे दी थी। वह जिस घर में रहते थे उसके मकान मालिक ने फ्लैट से खून निकलते हुए देखा था। उसी ने पुलिस को खबर दी। बाद में घर के बाहर लगे CCTV फुटेज को खंगाला गया। पुलिस जब मौके वारदात पर पहुंची तो सतीश की लाश फ्लैट के फ्लोर पर पड़ी हुई थी। पुलिस ने तत्काल लाश को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कर्नाटक के मांड्या जिले के रहने वाले सतीश वज्र RR नगर में परिवार के साथ रहते थे। बताया जा रहा है कि यह घटना रविवार की है। सतीश जैसे ही घर लौटे दो अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। धारदार हसिया से उनकी हत्या की गई और फिर हत्यारे वहां से फरार हो गए। सतीश वज्र ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। न तो उनके और न ही पत्नी के परिवार वाले इस शादी से खुश थे। दोनों परिवारों में इस बात को लेकर कलह की स्थिति थी। समझा जाता है कि इसी कारण उनकी पत्नी ने भी 3 महीने पहले आत्महत्या कर ली थी। आशंका जाहिर की जा रही है कि बहन की मौत का बदला लेने के लिए सतीश के साले ने ही उन पर हमला किया और हत्या कर दी। इन दिनों अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों से दुखी दिग्गज कारोबारी आनंद महिंद्रा ने ऐलान किया है कि अग्निपथ से वापस आने वाले ट्रेंड और क्षमता वाले अग्निवीरों को वह अपनी कंपनी में नौकरी देंगे। उनके अलावा देश के कई उद्योगपतियों ने अग्निवीरों के लिए अपनी कंपनी के दरवाजे खोले हैं। इनमें टाटा सन्स के चेयरमैन N. चंद्रशेखरन भी शामिल है जिन्होंने अग्निपथ स्कीम की तारीफ की है। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट में लिखा है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रही हिंसा से बेहद दुखी हूँ। जब इस स्कीम पर पिछले साल बात शुरू हुई थी मैंने तभी कहा था और अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अनुशासित और स्किल्ड अग्निवीरों को नौकरी के बेहतर मौके मिलेंगे। महिंद्रा ग्रुप ऐसे ट्रेंड और क्षमता वाले युवाओं को नौकरी करने का मौका देगा। टाटा सन्स के अध्यक्ष N. चंद्रशेखर के नेतृत्व में घरेलू कंपनियों ने केंद्र सरकार के अग्निपथ कार्यक्रम का समर्थन करते हुए कहा कि इस योजना में उद्योग को अनुशासित और प्रशिक्षित कार्यबल प्रदान करने की एक बड़ी क्षमता है। अग्निपथ युवाओं के लिए न केवल देश के रक्षा बलों की सेवा करने का एक बड़ा अवसर है बल्कि यह टाटा समूह समेत उद्योग को एक बहुत ही अनुशासित और प्रशिक्षित युवाओं को भी उपलब्ध कराएगा। उद्योगपति हर्ष गोयंका ने ट्वीट किया है कि RPG ग्रुप भी अग्निवीरों को नौकरी देने के मौके का स्वागत करता है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सबके बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेनाओं के प्रमुख से मुलाकात करेंगे।
जानकारी के मुताबिक थलसेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों से पीएम मोदी अलग अलग मुलाकात करेंगे। बीते रविवार को ही तीनों सेना प्रमुखों ने स्पष्ट कर दिया था कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होने वाली है। सेना ने अपने अहम बयान में कहा था कि कोचिंग संस्थान छात्रों को भड़का और उकसा रहे हैं। सेना ने अपील करते हुए कहा कि सेना भर्ती की तैयारी करने वालों को हिंसा और प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। साथ ही सेना की तरफ से कहा गया कि उपद्रवियों को अग्निवीर नहीं बनाया जाएगा। अग्निवीर बनने वाले युवक को शपथ पत्र देना होगा कि उसने कोई प्रदर्शन या कोई तोड़फोड़ नहीं की है। सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। वहीं वायुसेना में 24 जून से बहाली शुरू होगी, जबकि नेवी में बहाली के लिए 25 जून को नोटिफिकेशन आएगा। सेना भर्ती के लिए पहली रैली अगस्त के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी। रैली में फिजिकल टेस्ट और मेडिकल होगा, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर उन्हें कॉलम में मेरिट के हिसाब से भेजेंगे। वही अगस्त से लेकर नवंबर तक 2 बैच में रैलियां होंगी। पहले लॉट में 25,000 अग्निवीर आएंगे, ये लोग दिसंबर के पहले सप्ताह में आएंगे। अग्निवीरों का दूसरा जत्था फरवरी में आएगा। देश भर में कुल 83 भारतीय रैलियां होंगी, जो देश के हर राज्य में हर आखिरी गांव तक होंगी। बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा के विधायक अनंत सिंह को AK-47 मामले में सजा मिली है। पटना पुलिस ने सूचना के आधार पर विधायक अनंत कुमार सिंह के पैतृक आवास बाढ़ थाना के लदवा गांव में 16 अगस्त 2019 को छापामारी की थी। छापामारी में विधायक के पुष्टैनी घर से प्रतिबंधित हथियार AK-47, 33 जिंदा कारतूस और 2 ग्रेनेड बरामद हुए थे। इस मामले में बाढ़ थानाध्यक्ष सूचक बनकर FIR दर्ज की गई थी। इस मामले में पटना की MP-MLA कोर्ट ने मंगलवार को 10 साल कैद में रहने की सजा सुनाई है। 14 जून को उन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सजा मिलने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा है। 2 वर्ष से ज्यादा सजा होने पर विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। हालांकि उनके वकील सुनील कुमार ने कहा कि सजा के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी और अपील दायर की जाएगी। अदालत ने अनंत सिंह के पैतृक आवास के केयरटेकर को भी 10 साल की सजा सुनाई है। इस कांड की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत प्रतिदिन यानी 34 माह तक चली। इस कांड में विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिली थी। 25 अगस्त 2019 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। इस मामले में विधायक और उनके केयरटेकर पर 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया गया था। इसके बाद विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस अभियोजन गवाहों को कोर्ट में पेश किया। विधायक की ओर से बचाव पक्ष में 34 गवाह पेश किए गए। इस आपराधिक कांड को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा था। रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव ने अपना नोबेल पुरस्कार नीलाम कर दिया है। उन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी है कि नीलामी की रकम से मिलने वाली $5 लाख की राशि दान कर देंगे। तो पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान ने दावा किया है कि उसे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलने के राह में अमेरिका सबसे बड़ा बाधा है। वही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान उनके देश में सामाजिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं। इस बीच सऊदी अरब ने तुर्की, भारत, इथियोपिया और वियतनाम की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों के लिए कोरोना यात्रा प्रतिबंध हटा दिया है। तो उधर प्राचीन मिस्र के पेपिरस दस्तावेजों में UFO के बारे में जानकारी अचंभित कर रही है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव ने अपना नोबेल पुरस्कार नीलाम कर दिया है। उन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी है कि नीलामी की रकम से मिलने वाली $5 लाख की राशि दान कर देंगे। यह रकम सीधे यूनिसेफ को मिलेगी, जो कि यूनाइटेड नेशन का बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपात फंड है। दिमित्री मुरातोव को पिछले साल ही फ्री स्पीच पर उनकी पत्रकारिता के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वह रूसी अखबार नोवाया गजट के एडिटर इन चीफ थे, लेकिन पुतिन सरकार की कार्रवाई की वजह से इसी साल मार्च में उनके अखबार पर ताला लग चुका है। नोबेल पुरस्कार बेचने का फैसला मुरातोव का अपना है। उन्होंने कहा है कि उन शरणार्थी बच्चों को भविष्य के लिए एक मौका देना है जो यूक्रेन संकट की वजह से अनाथ हो गए हैं। हम उनका भविष्य लौटाना चाहते हैं। मुरातोव को फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा के साथ पिछले साल अक्टूबर में साझा तौर पर नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। इसके तहत दोनों पत्रकारों को अलग अलग मेडल दिए गए थे। इन दोनों को यह पुरस्कार अपने अपने देशों में तमाम उत्पीड़नों, यहाँ तक कि मौत की धमकियों के बावजूद बोलने की आज़ादी के लिए संघर्ष करने के चलते दिया गया है। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, तब भी दिमित्री मुरातोव ने अपनी सरकार के कदम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद भी उन्होंने इसकी नीतियों की आलोचना की थी। पुतिन के सत्ता में आने के बाद से मुरातोव के साथ काम करने वाले कम से कम 4 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है और अप्रैल में खुद इन पर भी एक रूसी ट्रेन में लाल पेंट फेंकी गई थी।
पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान ने दावा किया है कि उसे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलने की राह में अमेरिका सबसे बड़ा बाधा है। तालिबान के वरिष्ठ प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान ने अपने प्रशासन की विदेशी मान्यता हासिल करने के लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी की है, इसलिए अमेरिका सहित सभी देशों को यह समझना चाहिए कि तालिबान के साथ राजनीतिक बातचीत में शामिल होना सभी के हित में है। बता दें कि तालिबान द्वारा अफगान महिलाओं और लड़कियों के साथ किए जा रहे गंभीर व्यवहार के कारण अभी तक दुनिया में किसी भी देश ने तालिबान को अफगानिस्तान के वैध शासकों के रूप में मान्यता नहीं दी है। तालिबान के अफगानिस्तान में आने के बाद से महिलाओं की स्थिति खराब हो गई है। अभी हाल ही में हेरान प्रांत में तालिबानी सैनिकों ने दुकानदारों को चेतावनी दी थी कि वे बिना पुरुष अभिभावक के महिलाओं को अपनी दुकानों में न आने दें। असलियत यही है कि अफगानिस्तान में महिलाओं से शरिया कानून का हवाला देते हुए तमाम अधिकार छीन लिए गए हैं और महिलाओं को अपने सर से लेकर पैर तक ढककर रखने की चेतावनी दी गई है। तालिबान ने पिछले साल अफगानिस्तान में सत्ता संभालने के बाद महिलाओं और लड़कियों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इससे पहले मई में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने सार्वजनिक रूप से महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य करने का एक फरमान जारी किया था। तालिबान की ओर से स्पष्ट कहा गया था कि इस नियम को तोड़ने वाली सरकारी एजेंसियों में काम करने वाली महिलाओं को सजा दी जाएगी और पुरुषों पर भी यही उपाय लागू किया जाएगा यदि उनकी पत्नियां या बेटियां ड्रेस कोड का पालन नहीं करती है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान उनके देश में सामाजिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश में शरणार्थी बनकर रह रहे अधिकांश रोहिंग्या मुसलमान ड्रग और महिला तस्करी जैसे अपराधों में शामिल है। म्यांमार के रखाइन प्रांत में साल 2017 में रोहिंग्या मुस्लिमों पर हुई कार्रवाई के बाद इस समुदाय के लाखों लोगों ने सीमा पार करके बांग्लादेश में शरण ले ली थी। पीएम शेख हसीना ने हाल ही में बांग्लादेश के लिए नियुक्त हुई कनाडाई उच्चायुक्त लिली निकोल से संसद भवन कार्यालय में मुलाकात के दौरान ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में रह रहे करीब 11 लाख रोहिंग्या मुसलमान लंबे समय के लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। बांग्लादेश कितने समय तक इतना बड़ा बोझ सह पाएगा? बांग्लादेश सरकार ने करीब 1 लाख रोहिंग्याओं को बसंतर में अस्थायी शरण दी है जहां बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है। दूसरी ओर हजारों रोहिंग्या इस समय शांतिपूर्ण रैली निकालकर अपने देश म्यांमार वापस जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम म्यांमार के नागरिक के तौर पर पहचान चाहते हैं, हम वहाँ के नागरिकों की तरह रहना चाहते हैं, लेकिन बिना सुरक्षा के हम वहाँ जा नहीं सकते। बता दें कि साल 2017 में अत्याचार झेलने की वजह से म्यांमार से बांग्लादेश भागने वाले रोहिंग्याओं का मुद्दा शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जोर शोर से उठाया, लेकिन अब उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। अलग अलग एजेंसियों से रोहिंग्याओं को मिलने वाली फंडिंग भी बंद हो गई है। बांग्लादेश ही अकेला ऐसा देश है जिसने रोहिंग्याओं को शरण दी है। 25 अगस्त 2019 को रोहिंग्याओं को म्यांमार से बांग्लादेश आने की 2 साल पूरे होने के बाद हुए प्रदर्शन में करीब 20,000 रोहिंग्या मुस्लिमों ने प्रदर्शन किया था। अब तक इतने बड़े स्तर पर कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। सऊदी अरब ने तुर्की, भारत, इथोपिया और वियतनाम की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों के लिए कोरोना यात्रा प्रतिबंध हटा दिया है। इसके तहत इस महीने की शुरुआत में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए उपायों को भी हटा दिया गया है, जिसमें घर के अंदर फेस मास्क पहनने की आवश्यकता भी शामिल थी। बता दें कि इससे पूर्व सऊदी अरब ने कोरोना वायरस से जुड़े सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह खत्म कर दिया था। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ये प्रतिबंध लगाए गए थे। अब गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि अब बंद जगहों पर मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। लोगों को घर के अंदर फेस मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। सऊदी में रहने वाले भारतीयों समेत सभी के लिए ये एक राहत है। हालांकि आदेश में कहा गया है कि अपवाद स्वरूप मक्का में ग्रैंड मस्जिद और मदीना में पैगंबर की मस्जिद में मास्क पहनना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अनेक देशों के श्रद्धालु यहाँ आते हैं और खतरा मोल लेना सही नहीं होगा। अनेक देशों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। हवाई जहाज, सार्वजनिक परिवहन और किसी भी गतिविधि में शामिल होने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आदेश में यह भी कहा गया है कि जो नागरिक सऊदी अरब छोड़ना चाहते हैं उन्हें 3 की जगह 8 महीने के बाद तीसरी बूस्टर खुराक लेनी होगी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते हज यात्रा पूरी तरह बंद थी, जिससे हर साल सऊदी अरब को $12 बिलियन का घाटा हुआ है। वहीं इसके पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात में एक हफ्ते में कोरोना के मामले दोगुने हो गए हैं, जिसके बाद सरकार लोगों से मास्क पहनने को कह रही है। प्राचीन मिस्र के पेपिरस दस्तावेजों में यूएफओ के बारे में जानकारी अचंभित कर रही है। इसे देखने से पता चलता है कि पौराणिक काल में भी लोगों का सामना एलियन से हुआ होगा। उन्हें यूएफओ के बारे में पहले से ही जानकारी थी। बता दें कि पेपिरस एक प्रकार का कागज है जो पेपिरस के तनों से बनाया जाता है और जिसका उपयोग प्राचीन मिस्र, रोम और ग्रीस में किया जाता था।
जानकारी के मुताबिक 3500 साल पुरानी इस दस्तावेज में अज्ञात उड़न तश्तरी के बारे में जिक्र किया गया है। 3500 साल पुराने दस्तावेज में बताया गया है कि कई सारे अज्ञात चमकते हुए डिस्क ने पूरे आसमान को ढक लिया है, जिनका तेज सूर्य की प्रकाश से भी तेज है। जब 1947 में कुछ लोगों ने कहा कि एलियन धरती पर आए हैं, तब इस मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। एक रिपोर्ट ने दावा किया था कि लोग जो कह रहे थे वह सही था। फिर 1947 में जॉर्जिया के शहर रोसवेल के लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने आसमान में एक तेज चमकती हुई उड़न तश्तरी को उड़ते हुए देखा है। संचार के संसाधनों में कमी होने के बावजूद पूरी दुनिया में एलियन के धरती पर आने का हल्ला हो गया। मामले ने तब और जोर पकड़ लिया जब केनेथ अर्नॉल्ड नाम के एक पायलट ने इस खबर पर मुहर लगा दी। अर्नॉल्ड का दावा था कि उन्होंने आसमान में कोई अजीब सी चीज उड़ती हुई देखी थी। प्राचीन मिस्र के किस्सों दस्तावेजों में इनका जिक्र आता है। कहा जाता है कि फिरन थ्रूमस तृतीय के विद्वानों के मुताबिक यूएफओ मिस्र के आसमान में काफी करीब से उड़ते थे। सेड्रिक लियोनॉट के पौराणिक दस्तावेज के अनुसार आकाश में एक तेज चमकती हुई डिस्क प्रकट हुई थी। इसका कोई सिर नहीं था, उसके मुंह के साथ से दुर्गंध निकल रही थी, उसकी कोई आवाज नहीं थी और उसने राजा के घर की ओर रुख किया था। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।